अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप लोग घरों में खुश होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं बस जो है ना कुछ अजीब सा ही बिजी भी नहीं हूँ, बस ऐसे ही, बस कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा अभी तो, है ना। अभी जो है ना मैं रेहान आया है डंकिन डोनट लेने के लिए, तो सॉरी क्रिस्पी क्रीम लेने के लिए, तो वो गया है क्रिस्पी क्रीम लेने के लिए। उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। मैं इनको बच्चों को पार्क लेके गई हुई थी, बच्चों ने काफ़ी अच्छा खेला। और ये देखिए इतना मेरे मुंह पे दाने वैसे निकलते नहीं हैं और मुझे इनसे टेंशन भी नहीं होती, तो बस निकल जाते हैं। क्योंकि जब मैं थी अपने स्कूल लाइफ में तब मुझे निकलते थे जो एक्नी थी ना, जो हर मतलब एज, वो एक एज होती है जो आती है, वो हुई थी, वो इतनी बुरी थी कि मेरे इतने मोटे मोटे दाने थे। और अच्छा, एक दाने के साथ मतलब फैमिली पूरी आती थी, माँ बाप और बच्चा, मतलब एक इतना बड़ा है, एक इतना छोटा और उससे छोटा, और वो इतने मोटे होते थे। मेरी अक्सर मेरी जो एक, यहाँ पे मैं आपको निशान दिखाऊंगी, यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे वो इतना बड़ा दाना था कि वो इंजेक्शन लगे थे, तो जाके उसमें से इतनी वो पता नहीं क्या निकलता था, अल्लाह माफ करे इस्तग़फ़ार। और यहाँ पे भी एक निशान है और वो इतने बड़े बड़े निकलते थे। बाहर अब ये है कि अभी अभी हा जो है ना वो तंग कर रही है। ओ ओ ओ रही है। आप लोग कैसे हैं, आप लोग बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। और एक और बात, अभी कल इंशाल्लाह उसने बोला है कि मिस्त्री ने कि कल किचन का इंशाल्लाह हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह कल किचन का हो जाएगा, तो फिर सुकून हो जाएगा ज़िंदगी में। अभी जाके मेरा मूड झादे का मूड हो रहा है आलू अंडे खाने को, तो उसके लिए आलू अंडे बनाऊँगी जाके घर में। और मैंने शुरू की हुई है डाइट, और जिसकी वजह से मैं जो है बाहर का कुछ नहीं खा रही, मैं घर में भी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में खा रही हूँ, अपने लिए सैलेड बना रही हूँ। मैं तो लाया हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाओ। अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ। तो बस ये है। और रियान आ गया अपने लेके, मैंने इसको बोला था एक लेना, फिर दो लिया है। कंट्रोल कर रही हूँ, इतना कंट्रोल कर रही हूँ कि कंट्रोल करना आसान नहीं है। कि आप जो आपको फूडी हो और आप कंट्रोल करना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल है। पहले कभी भी इस तरह का इतना ओवरवेट नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ओवरवेट है। मैं अगर इंशाल्लाह कामयाब होगी इस पूरी जर्नी में, वेट लॉस की जर्नी में, तो इंशाल्लाह सब कुछ शेयर करूंगी। अभी मैं कंट्रोल कर रही हूँ। आ गया है यहाँ पे, मतलब KFC। ठीक है, आपने क्या खाना है? मतलब मैं नहीं खाऊंगी तो फिर शोर करता है, ये क्या तरीका है भाई, मुझे इसकी समझ नहीं आती। बाहर मैंने उसको मना किया, प्लीज एक बर्गर लो, वो बहुत बड़ा होता है, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी और मैं एक आध बाइट ले लूंगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है, मतलब 100% कोशिश है कि मैं नहीं खाऊंगी। मुंह में पानी आ रहा है, आई कैन फील द टेस्ट, मतलब लेकिन नहीं, क्योंकि अभी इससे ज्यादा वेट हो गया ना, तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल है। और मुझे पेड़ निकला हुआ बिल्कुल पसंद नहीं आता, बिल्कुल भी जहर लगता है, तो बस इसीलिए अभी जो है लोग देख रहे हैं पागलों की तरह अपने आप से बोल रही है, तो बस ये सीन है। इंशाल्लाह 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 एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, कहवा भी पी रही हूँ। दिखाओ वो फतूरा लिया है, दिखाओ मुझे। ओए अल्लाह रियान, अभी बिया गिर जाती बेटे। और रियान एकदम से आ गया, तो उसने दरवाजा खोल लिया था, और अभी यह पीछे होती है, तो अभी गिरते गिरते बच गई, शुक्र है अल्लाह का। तो आप मुझे बताएं वहाँ पे कैसा मौसम हो रहा है अभी, आज और मतलब यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, ये तीन दिन है सर्दी के काफ़ी। और आज तो भाई ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो जब बच्चे मिट्टी रेत में खेल रहे थे, तो रियान अभी यहाँ पत्थर पकड़ रही थी, तो मैंने पकड़ा, इतनी ठंडी रेत हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी। तो बस अभी ये है कि एक्सी क्या होता है। और वैसे मुझे यहाँ का पर्सनली KFC नहीं पसंद, मैंने पाकिस्तान में लास्ट अभी जब अभी छोटी थी कुछ 15 में, और बहुत मैंने खा लिया बाहर का, जिसकी वजह से मैंने बहुत वेट गेन कर लिया था, वहाँ पे कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे आके मैंने फिर मैं कहा 6 to 7, 7, 8 KG आई गेस मैंने गेन किए, 8 to 9 KG ऑलमोस्ट इतना गेन किया। अब उसको वापस लेकर आना, एटलीस्ट मुझे जो है ना एटलीस्ट 20 KG मेरा है कि मैंने 20 KG कम करना है। अच्छा, अब मैं इंस्टाग्राम पे आप अगर हैं तो फॉलो करें लाइफस्टाइल बाय बीजे, तो वहाँ पे जो है ना द रियल द मी इन मॉमी और एक है द डैड ग्राम, तो वो दोनों जो है उन्होंने शुरू किया है,
10 months का को मतलब 10 months में हर मंथ 3 kg वेट लॉस करना है, और दिसंबर तक मतलब आपका 30 kg हो जाएगा। तो उस हिसाब से चलते हैं, लेट्स सी। एक्सरसाइज मस्ट है, एक्सरसाइज मस्ट है। 30 मिनट्स की यूट्यूब से कोई भी एक्सरसाइज उठा के आप करें, और एक्सरसाइज मस्ट है, और एक्सरसाइज से ही फर्क पड़ेगा। खाना खाना है, जो भी खाना है, लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में खाना है। दूसरा ये कि कहवा पिए, और अर्ली मॉर्निंग नीम गर्म पानी में लेमन और हनी का यूज़, एप्पल साइडर का यूज़, वो आपको सूट करता है। तो फिर वैसे मुझे कोई कहवा और कोई ऐसी चीज़ नहीं, मतलब कोई मुझे रिएक्शन नहीं होता है सच। तो अभी जी तो रियान आ गया था, तो फिर मुझे उसको पूरा चाहिए था। तो अच्छा, अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपनी दाल ना बना के तो रख लूँ, उसका सूप वो मैं इस तरह से 3-4 दिन के लिए वो फ्रीज कर लूँ। सामने गाड़ी में बंदा था अभी, यहाँ जो है इतनी उसको हेडलाइट्स को ऑफ करी, ऑन कर रही है वो बेचारा, ऐसे घुड़िया डाल के मुझे गया ना ऐसे करके, चल भाग जा। हाँ जी, अरे भाई कोक ठोक लिया है मैंने, नहीं पीनी कोक और नहीं पीनी। और बाबा आ गए हैं, चले लेट्स सी क्या होता है। और बस उसके बाद हम आ गए थे घर। और दूसरी एक गुड न्यूज़ ये है कि मेरे माशाल्लाह 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 100 से ऊपर, मतलब 102 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबका। और फिर जहाँ ने देखे सिंगर माइटी ले लिए थे, मेरा छोटा वाला सैंडविच था, बाकी इन दोनों ने माइटी गाए थे। उसके बाद हम मैं मतलब मुझे तो ऐसे लग गया कि मैंने तो बहुत ज़्यादा खा लिया, तो मुझे हो रहा था कि चलो भाई कहवा बनाती हूँ। तो बस अभी यहाँ तंग कर रही थी, फिर चांदनी का चलो आओ मैं आपको एक स्पेशल जगह लेके जाता हूँ, वहाँ पे मतलब 60 टाइप के डिफरेंट कहवास होते हैं। तो मतलब उसका नाम है 60 शाही, मतलब डिफरेंट टाइप के मतलब कहवे हैं, चाय है, कॉफ़ी है, हर चीज़। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे और यहाँ पे मैंने कहवा पिया अदरक और पुदीने का, और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाना मत भूलें, और कमेंट करें। चलो और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। चलो अल्लाह मीरा, हाफिज़। उधर 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 रियान, चलो भैया रन फास्ट, नहीं ठहर जाओ, वेट करो।